हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष सिंह एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ शिवाजी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑफ थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम विद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। द टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज रियलिज्म विच इज अ फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो अब हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस जो था वो फेल हो चुका था और आइडियलिज्म जो आइडियोलॉजी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चल रही थी उसको एक बहुत ही तगड़ा सेटबैक झेलने को मिला। लीग ऑफ नेशंस जो था वो बहुत ही मिजरेबली फेल हो चुका था और एक नया ग्रुप जो सेल्फ आइडेंटिफाइड रियलिस्ट स्कॉलर्स का था वो एक एमर्ज होने लगा इंटरनेशनल रिलेशंस के फील्ड के अंदर। रियलिज्म जो है वो एक मोर एक्सेप्टेबल अप्रोच के तौर पे इंटरनेशनल रिलेशंस में देखा जाने लगा और ये जो स्कॉलर्स थे ये बहुत ही ज़्यादा हाईली क्रिटिकल थे उस अप्रोच के जो कि उस टाइम पे इंटरवॉर पीरियड में राइटिंग और टीचिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जिसे आइडियलिज्म हम कहते हैं। और इसी आइडियलिज्म अप्रोच को रियलिज्म के और रियलिस्ट्स के द्वारा यूटोपियन कहा गया, इमेजिनरी कहा गया, इसे रन डाउन करने की कोशिश की गई। और जब वर्ल्ड वॉर टू ब्रोक आउट हुआ तो आइडियलिज्म को सच में एक बहुत ही तगड़ा सेटबैक झेलना पड़ा और उसके बाद रियलिज्म को एक मोर एक्सेप्टेबल अप्रोच के तौर पे जो है देखा जाने लगा। नेशन स्टेट्स में एक एस्टिमेटिंग जो डिग्री होती है कॉमन इंटरेस्ट्स को शेयर करने की उसे दिखाया गया, लेकिन इनके अकॉर्डिंग, रियलिस्ट के अकॉर्डिंग, नेशन स्टेट्स में जो कॉपरेशन की जो और एक कॉमन इंटरेस्ट का जो एक डिग्री है, एक जो लेवल है, उसको ओवर एस्टिमेट करके दिखाया गया आइडियलिज्म के अंदर। ये रियलिज्म का कहना है। ये जो ऑप्टिमिस्टिक रैशनल सॉल्यूशंस दिए गए थे ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको पीसफुली सेट डाउन करने के लिए, उनको सेटल करने के लिए, ये जो है काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेटिकल था रियलिज्म के अकॉर्डिंग। और जब वर्ल्ड वॉर 1939 में ब्रोक आउट हुआ तो ये कंफर्म हो चुका था, एटलीस्ट रियलिस्ट्स के लिए ये कंफर्म हो चुका था कि जो आइडियलिज्म है वो कितना ज़्यादा इनएडिक्वेट है, कितना ज़्यादा फेल हो चुका है। और इसीलिए उनके अकॉर्डिंग अब रियलिज्म को पढ़ाया जाना चाहिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी रियलिज्म को एक अप्रोच के तौर पर लिया जाना चाहिए। तो ये था रियलिज्म का बैकग्राउंड। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा, अब हम देखते हैं मेन थिंकर्स क्या हैं रियलिज्म के अंदर। थुसिडाइड्स, निकोलो मैकेवली, थॉमस हॉब्स, जीन जैक्स रूसो, मैक्स वेबर और भी बहुत सारे थिंकर्स हैं रियलिज्म के। डेफिनेशन पे अगर हम देखें तो रियलिज्म इज़ अ सेट ऑफ रिलेटेड थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस दैट एम्फेसाइज ऑफ द रोल ऑफ द स्टेट, नेशनल इंटरेस्ट एंड मिलिट्री पावर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। Realism has dominated the academic study of international relations since the end of the World War II. इसका मतलब ये हुआ कि realism जो है वो एक set है theories का जो कि आपस में related हैं international relations के अंदर। realism जो है वो emphasize करता है जो role है state का उसको, national interest को भी और military power को भी world politics के अंदर। रियलिज्म जो है ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एकेडमिक स्टडीज़ में लाया गया है, इसे पढ़ाया जा रहा है और ये काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से ऐसा चलता आ रहा है। रियलिस्ट थ्योरी क्या कहती है, अब ये देखते हैं। रियलिस्ट थ्योरी जो है वो ये क्लेम करती है कि रियलिज्म के हिसाब से वो लोग सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन जो है स्टेट बिहेवियर का वो देते हैं। उनके हिसाब से स्टेट बिहेवियर को रियलिज्म जो है वो सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। और रियलिज्म जो है वो एक सेट ऑफ पॉलिसीज भी प्रिस्क्राइब करता है जिसके ज़रिए वो बात करते हैं कि इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर जो इनहेरेंट डीस्टेबलाइजिंग एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो एक उथल पुथल देखने को हमें मिलती है इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर, उस चीज़ को भी ये लोग इम्प्रूव कर सकते हैं इन सेट ऑफ पॉलिसीज़ के ज़रिए। अब हम बात करते हैं हमारे बेसिक अजम्पशंस क्या हैं रियलिज्म के, जिनके आधार पर रियलिज्म चलता है। जो बेसिक अजम्पशन है रियलिज्म का वो ये है कि इंटरनेशनल एनार्की है, वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल एनार्की है और यहाँ पे कोई भी ओवरआर्किंग अथॉरिटी नहीं है, यानी कि ऐसी कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। जो स्टेट है वो प्रोमिनेंट एक्टर है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, वेयर एज ऑल अदर एक्टर्स जैसे कि इंडिविजुअल्स हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, एनजीओज हो गए, एमएनसीज हो गए एट्सेट्रा, ये सारे के सारे जो हैं ये लेस इंपॉर्टेंट हैं और या फिर कह सकते हैं हम अनइम्पॉर्टेंट हैं, इनका कोई रोल ही नहीं है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। इनके हिसाब से स्टेट ही है जो मेन एक्टर है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फॉरेन पॉलिसी का इनके अकॉर्डिंग, प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना इंटरेस्ट को जो कि स्टेट का है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। और इनके हिसाब से इनका इंटरेस्ट क्या है, वो है नेशनल सिक्योरिटी।
रियलिस्ट जो हैं वो इस व्यू के हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो प्राइमरली एक स्ट्रगल है ग्रेट पावर्स के बीच में, किसके लिए? डोमिनेशन के लिए और सिक्योरिटी के लिए वर्ल्ड के ऊपर और अपनी सिक्योरिटी के लिए भी। नेशनल सिक्योरिटी और स्टेट सर्वाइवल जो है ये दो कोर वैल्यूज़ हैं रियलिस्ट डॉक्ट्रिन की इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। यानी कि नेशनल सिक्योरिटी और स्टेट सर्वाइवल ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं रियलिस्ट ट्रेडिशन के अंदर। अपने आप को एक स्टेट को सर्वाइव करने के लिए ये दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान देना पड़ेगा और स्टेट सर्वाइवल के लिए नेशनल सिक्योरिटी जो है वो ज़रूरी हो ही जाती है। और नेशनल सिक्योरिटी वो कैसे पाएंगे? अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाकर। रियलिज्म जो है वो ये कंसिडर करता है कि स्टेट जो है वो एक प्रोटेक्टर है उनकी टेरिटरी का, उस टेरिटरी के अंदर जो लोग रह रहे हैं यानी कि उस पॉपुलेशन का भी प्रोटेक्टर है स्टेट, और उसके अंदर जितने भी तरीके के डिस्टिंक्टिव वैल्यूज़ जो लाइफ हैं वहाँ पे, मतलब अलग अलग एथनिसिटी क्लास के जो लोग रह रहे हैं उनका भी वो प्रोटेक्टर है। रियलिज्म जो है वो ये पॉइंट आउट करता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस की एरिया जो है, ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो फील्ड है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेबल टर्मोइल हम देख सकते हैं, डिस्कॉर्ड और कन्फ्लिक्ट देख सकते हैं। यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक उथल पुथल सी जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में देखी जाती है। स्टेट्स के बीच में ग्रेट पावर्स के द्वारा डोमिनेट करी जाती हैं स्टेट्स को, और उनके बीच में जो है वो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने को हमें मिलती है। अब हम बात करते हैं हमारे रियलिज्म का बेस क्या है, ये किन बेसिस के ऊपर रियलिज्म जो है वो, ये जो रियलिज्म आइडियोलॉजी है ये चलती है। रियलिज्म आइडियोलॉजी के तीन इंपॉर्टेंट बेस हैं। पहला है स्टैटिज्म, दूसरा सर्वाइवल और तीसरा सेल्फ हेल्प। स्टैटिज्म का अगर हम देखें तो सारे रियलिस्ट थिंकर जो हैं वो बिलीव करते हैं स्टैटिज्म के अंदर। दे बिलीव दैट स्टेट्स आर मेन एक्टर्स, उनके अकॉर्डिंग स्टेट्स जो हैं वो मेन एक्टर्स होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। यही स्टेट जो हैं यही लेजिटिमेट एक्टर्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, और इनके अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो इन मेन एक्टर्स को यानी कि इन स्टेट्स को रेगुलेट करे या कंट्रोल करे। ऐसी कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है या ऐसी कोई ओवरआर्किंग अथॉरिटी नहीं है दुनिया के अंदर। दूसरा, ये बात करते हैं सर्वाइवल के बारे में। इंटरनेशनल लेवल में जो एम है स्टेट का वो सर्वाइव करना है। इनके अकॉर्डिंग एक स्टेट को सर्वाइव करना होता है इंटरनेशनली, वर्ल्ड के अंदर एक स्टेट को सर्वाइव करना होता है, और सर्वाइव करने के लिए उनके लिए क्या ज़रूरी है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करें, अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करें। और नेशनल इंटरेस्ट उनका क्या है, वो क्या पूरा करेंगे नेशनल इंटरेस्ट के अंदर? नेशनल इंटरेस्ट उनका है कि नेशनल सिक्योरिटी, वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करें। तीसरी वो बात करते हैं सेल्फ हेल्प की। सेल्फ हेल्प क्या है इनके अकॉर्डिंग? इंटरनेशनल लेवल में इनके अकॉर्डिंग जो स्टेट्स होते हैं वो मेन एक्टर्स होते हैं, और ऐसी कोई भी ओवरआर्किंग अथॉरिटी या वर्ल्ड गवर्नमेंट इनके हिसाब से नहीं है जो इन स्टेट्स को कंट्रोल करे, इन नेशंस को कंट्रोल करे। ऐसे सर्कमस्टांसिस के अंदर क्या होगा, जो नेशंस हैं वो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट तो है नहीं जो इन स्टेट्स को रेगुलेट करे, इन स्टेट्स को कंट्रोल करे या इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशंस बनाए। तो ये जो नेशंस होते हैं वो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, और ये जो पावरफुल नेशंस होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर वॉर भी लॉन्च कर सकते हैं। इसी वजह से सेल्फ हेल्प जो है ये नेशंस को बहुत हेल्प कर सकती है। सेल्फ हेल्प के ज़रिए जो नेशंस हैं वो अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। रियलिस्ट जो हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि पावर जो है वो एक ज़रिया है, इट इज़ अ मीन्स, ये एक ज़रिया है, और सिक्योरिटी जो है ये एम है। यानी कि पावर के ज़रिए एम जो है सिक्योरिटी का उसे पाया जा सकता है, और पावर सिक्योरिटी जो है वो अचीव हो जाएगी। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है इस रियलिज्म आइडियोलॉजी का। रियलिज्म जो है वो एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कि एक्सप्लेन करता है इंटरनेशनल रिलेशंस को पावर के टर्म्स में, पावर के हिसाब से रियलिज्म जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को देखता है और उसे एक्सप्लेन करता है। जो एक्सरसाइज किया जाता है पावर का, जो यूटिलाइजेशन है पावर का स्टेट्स के द्वारा एक दूसरे के ऊपर, इसे जनरली रियलिज्म के अंदर रियल पॉलिटिक या फिर पावर पॉलिटिक्स का नाम दिया गया, यानी कि सत्ता की राजनीति, राजनीति की सत्ता। रियलिज्म जो है वो डेवलप हुआ रिएक्शन में लिबरल ट्रेडिशन के, यानी कि लिबरल ट्रेडिशंस उस टाइम पे जो चल रहे थे उसके रिएक्शन के तौर पे रियलिज्म जो है वो उभर के आता है, और जिस ट्रेडिशन को हम आइडियलिज्म कहते हैं उस आइडियलिज्म के अगेंस्ट जो है रियलिज्म जो है वो उभर कर आया
और ज़्यादा मोर एक्सेप्टेबल अप्रोच, जो मैं बार बार टर्म यूज़ कर रहा हूँ, मोर एक्सेप्टेबल अप्रोच के तौर पे रियलिज्म को देखा गया। रियलिज्म जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, कई सालों से ऐसा चलता आ रहा है और इट हैज़ बीन द डोमिनेंट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इंटरनेशनल बिहेवियर। और इसी रियलिज्म अप्रोच के ज़रिए ये काफ़ी सालों से एक बहुत ही डोमिनेंट वे रहा है इस रियलिज्म आइडियोलॉजी के ज़रिए इंटरनेशनल बिहेवियर को एक्सप्लेन करना। एक तरीका जो है इंटरनेशनल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने का कि इंटरनेशनल बिहेवियर कैसा है, कहाँ अनार्की है, कहाँ वर्ल्ड गवर्नमेंट है, वर्ल्ड गवर्नमेंट है कि नहीं है, इंटरनेशनल स्टेट इंटरनेशनल बिहेवियर के अंदर स्टेट्स जो है उनका रोल कैसा है, इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने का रियलिज्म जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट वे रहा है काफ़ी सालों से, पिछले काफ़ी सालों से, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से एक्सप्लेन करने के लिए। रियलिज्म जो है वो एम्फेसाइज करता है रिलेशंस को नेशंस के बीच में। कैसे एम्फेसाइज करता है रिलेशंस को? अब यानी कि इनके रियलिज्म के अकॉर्डिंग नेशंस जो हैं उनके बीच में जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। और ये लोग उन रिलेशंस को कैसे एक्सप्लेन करते हैं जैसे कि वो रिलेशंस चलते आ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, पहले से जैसे चलते आ रहे हैं और जैसे वो हैं, उनको जैसा का तैसा ही वो एक्सप्लेन करते हैं। उसके अंदर कोई भी वो लोग हाइपोथेटिकलनेस नहीं लेकर आते, जैसा कि आइडलिज्म को वो लोग कहते थे कि उसके अंदर आइडलिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेटिकल है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग तरीके से दिखाया जाता है, ओवर हाइपोथेटिकल तरीके से दिखाया जाता है कि हाँ ये सेट ऑफ जो पॉलिसीज़ है इनके ज़रिए हम जो वॉर है उसको शांत कर सकते हैं, हम जो कॉमन इंटरेस्ट है उसको पूरा कर सकते हैं, वॉर नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को आइडियलिज्म के अंदर ये लोग कहते हैं बहुत ही ज़्यादा हाइपोथेटिकल तरीके से दिखाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है और कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। इसी वजह से ये लोग जैसे भी इंटरनेशनल रिलेशंस चले आ रहे हैं नेशंस के बीच में, पहले से और जैसे वो हैं वो वैसे के वैसा ही उन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं। अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रियलिज्म की जो है वो चार पार्ट्स हैं और इन चार पार्ट्स को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम हमारा कंक्लूजन देखते हैं कि रियलिज्म का कंक्लूजन क्या है। रियलिज्म जो है जैसा कि मैंने बताया कि वो एक रिएक्शन के तौर पे आइडियलिज्म के सामने आया क्लासिकल पीरियड में इन 20th सेंचुरी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर के टाइम पे। ये जो नेम है रियलिज्म ये डिराइव करता है, इसके एडवोकेसी को दिखाता है। इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स एडवोकेट्स बिलीव दैट दे आर रियलिस्टिक, यानी कि इसके जो एडवोकेट्स हैं, यानी कि इसके एडवोकेसी को ही आप ध्यान से देखिए, इसके जो एडवोकेट्स हैं वो रियलिस्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक हैं, काफ़ी ज़्यादा जैसे यानी कि जैसी चीज़ें चलती आ रही हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, नेशंस के बीच में जैसे उनके रिलेशंस हैं वो जैसे का तैसा ही उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें वैसा का वैसा ही बताते हैं और वर्ल्ड जैसा है उसे एज़ इट इज़ वैसा ही दिखाते हैं। और यही जो चीज़ है उन्हें रियलिस्टिक बनाती है कि जैसा रियलिटी ऑन गोइंग चल रही है, चली आ रही है, उसको वैसा का वैसा एक्सप्लेन करते हैं। इसी वजह से इनका ये नाम रियलिज्म और रियलिस्टिक मिला। हालांकि काफ़ी ज़्यादा अगर हम इस रियलिज्म आइडियोलॉजी को देखें इनके अकॉर्डिंग, अगर हम काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान दें, तब भी जो फैक्ट है वो ये है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जो सर्च है और स्ट्रगल जो है पावर के लिए वो लगातार चलता ही रहता है। रियलिज्म के अकॉर्डिंग ये फैक्ट रहता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जो सर्च और स्ट्रगल है पावर का वो लगातार चलता रहता है। एग्जिस्टेंस जो है कॉन्फ्लिक्ट का वो हमें कॉपरेशन से ज़्यादा देखने को मिलता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट जो वॉर्स हैं वो होते रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, वर्ल्ड वॉर वन भी हुआ था, कोल्ड वॉर पीरियड भी काफ़ी टाइम तक चला था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रियलिज्म देख के समझ के जैसे का तैसा उनको एक्सप्लेन करता है। रियलिस्ट जो हैं वो इंसिस्ट करते हैं स्टडी करने के लिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स को जैसी कि वो है और जैसी वो चली आ रही है वैसे का वैसा, इसीलिए इनको रियलिज्म यानी कि रियलिस्टिक आइडियोलॉजी यानी कि रियलिस्ट कहा जाता है इन्हें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रियलिज्म। इसके चार पार्ट्स जो होते हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय।